हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सटर्नल स्टाइल शीट सीएसएस की है और आज इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल संडे है और कल लाइव क्लास चलेगी टैली की, तो 8:30 बजे शाम को जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग सीधा जुड़ सकते हैं, सीधा अपने सवाल पूछ सकते हैं। और कल की क्लास स्पेशल होगी टैक्सेस के ऊपर, ठीक है, सारे टैक्सेस से संबंधित लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसमें इन्वेंटरी की डिटेल में हम टैक्स कैसे लगाते हैं, कैसे वैट लगाते हैं, कैसे जीएसटी लगाते हैं और तमाम इस तरह की चीजें, कंपनी बनाना से लेकर के सारी चीजें। और फिर हम बात करेंगे लोन के ऊपर, तो ये लोन एक एक्स्ट्रा विषय होगा जो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल शाम में कुछ बच्चों के कहने पे मैंने टैली तो अरेंज किया ही है क्लास, टैली के अलावा एचटीएमएल की भी क्लास अरेंज की है सीएसएस के साथ, तो कल आप शाम को 4 बजे सीएसएस की क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां से सबसे पहला काम क्या करना है, एक हमें सीएसएस की फाइल बनानी है, सीएसएस ध्यान दीजिएगा सीएसएस की। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा लिख देता हूं H1। अब H1 हेडिंग फर्स्ट है, यानी इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं कलर, कलर कौन सा दे देते हैं, यहां पर दे देते हैं रेड, REDD, ठीक है, तो ये रेड दे दिया और यहां पर टर्मिनेट करके इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब देखिएगा ये जो रेड दिया इसका इफेक्ट ये है कि यहां पर जो हम देंगे वो रेड कलर में आएगा, यानी टेक्स्ट आपका रेड कलर में आएगा, आई बात समझ में। और अगर मैं एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद यहां पर बैकग्राउंड देना चाहता हूं तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कैसे देंगे, बैकग्राउंड देने के लिए आपको सिंपली बॉडी कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, बैकग्राउंड कलर लिखना है और यहां पर ये कोड मैंने दिया आरजीबी का, मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। अमाउंट दे दिया कितने कितने अमाउंट में ये आएगा, अब इसको सेव करना है, ठीक है, सेव करना है तो यहां से इसको सेव करते हैं होगा हमें, तो यहाँ पे 122.css के नाम से सेव कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा फाइल का नाम जो रखा है वो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, यानी 122.css यही हमारे फाइल का नाम है और ये आपको याद रहना चाहिए, जब भी आप फाइल इस तरह के बनाते हैं तो आपको याद रखना है। इसको .css दिया हुआ है, इसी फोल्डर के अंदर इसको मैं सेव करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये सेव हो गया। अब सेव हो गया तो इसका तो कोई रिजल्ट आया नहीं, तो रिजल्ट कब आएगा, अब आएगा रिजल्ट। देखिए यहां पर आकर के आप HTML की कोडिंग करिए, लिखिए यहाँ HTML, फिर यहाँ हेड लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा बॉडी, टाइटल लिखने के बाद लिखिएगा बॉडी, तो ये टाइटल, और यहाँ पे सीएसएस दे देते हैं और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, और टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं, तो ये बॉडी टैग को ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं H1 में कुछ दे देते हैं, H1 ध्यान दीजिएगा, H1 में हमने क्या लिख दिया, यूज ऑफ सीएसएस, ठीक है, तो ये H1 में लिख दिया, समझ आई बात, ये यूज ऑफ सीएसएस H1 में लिख दिया है और यहां से H1 को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे क्या करता हूं पैराग्राफ टैग को ओपन करता हूं और यहां लिख देता हूं वी आर यूजिंग सीएसएस, ये लिख दिया, तो पैराग्राफ में ये लिख दिया, ठीक है, और एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर बॉडी टैग को क्लोज करना है, तो यहां पर लिख दीजिएगा बॉडी इस तरीके से, ये बॉडी लिख दिया, फिर एंटर करके नीचे आए, फिर HTML को यहां पे क्लोज कर देना है। लेकिन हमें लिंक भी तो करवाना है, तो लिंक आप यहां से करवा सकते हैं या कहीं पर भी, यहां पे आपको लिखना होगा लिंक रेल, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखना है, स्टाइल शीट इस तरीके से लिखिएगा, स्टाइल और फिर लिखिएगा शीट इस तरीके से, ये लिख दीजिएगा, फिर यहां पर क्या देना है आपको HREF इस तरीके से लिख देना है, और उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम क्या था 122.css यही दिया था हमने, तो ये आपको जरूर लिखना है और यहां से इसको क्लोज कर देना है, इस तरीके से आपको काम करना है, आई बात समझ में। पर एक चीज और लिखना है हमें, वो क्या है, यहां पे लिखना है टाइप, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, इस तरीके से टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस आप लिख दीजिएगा, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस ऐसे आपको लिख देना है, आपका काम हो गया है। अब इसको सेव कर लीजिए, किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं और हम इसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं इसको, तो मैं यहाँ पर SURAJ123.html के नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये सेव कर दिया हमने। अब चलते हैं हम, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहां पर आए, यहां पर जैसे ही आते हैं तो हमें वो फाइल दिखेगी, ये वाली वो फाइल है, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए वी यूज ऑफ सीएसएस ये जो है रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि हमने सीएसएस में रेड कलर दिया था, और ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये सीएसएस में हमने दिया था, याद है आपको सीएसएस की वो फाइल 123.css, तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है सीएसएस का, लेकिन बाकी ये जो है ब्लैक कलर में आ रहा है। अगर आप इसको भी कलर करना चाहते हैं
तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग और करना है कोड में, कि ये जो लिखा है ना यहाँ पे पैराग्राफ टैग हमने लगाया है, इसको सीएसएस में जाकर के चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए ये सीएसएस वाली कोडिंग में चलते हैं, यहां से इसको क्लोज करता हूँ। सीएसएस वाली कोडिंग कौन सी है, 122.css यही वाली है, और यहां से इसको ओपन कर लेते हैं नोट पैड के ऊपर। ये नोट पैड ओपन किया, यहां पर हमने पैराग्राफ नहीं दिया है पैराग्राफ, तो यहां पर आप पैराग्राफ भी दे देते हैं। तो यहां लिखा पी, ब्रैकेट को ओपन किया, और यहां पे कलर दे देता हूं, सी ओ एल ओ आर कलर। तो इस बार हम कलर क्या देंगे, ब्लू दे देते हैं, बी एल यू ई। तो जो भी लिखेगा ये ब्लू कलर में लिखेगा, याद रखिएगा टेक्स्ट आएगा आपका ब्लू कलर। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में जो भी होगा वो ब्लू कलर में आएगा। ठीक है, अब इसके विपरीत ये वाली कोडिंग एक बार देख लीजिए, पैराग्राफ इसमें दिया गया है या नहीं वो भी दिखा दे रहा हूं। वैसे दिया गया है, आपने देखा ही है। तो यहां पे देखिए, ये जो है वी आर यूजिंग सीएसएस, ये पैराग्राफ में है, तो इसी का कलर बदलेगा, ये सीधा लिंक हो जाएगा इससे, समझ आई बात। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ब्लू कलर में आ गया, वी आर यूजिंग सीएसएस, क्लियर। ठीक है, एक इंटरनल होता है, एक इनलाइन होता है, और एक एक्सटर्नल होता है। ये तीन तरह की स्टाइल शीट होती है सीएसएस में। ओके,